खड़गापुर टीकमगढ़। मध्याह्न भोजन में कच्ची रोटी पर विरोध जताने को लेकर छात्रा के साथ की मारपीट, एसडीएम से की शिकायत। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ विकासखंड अंतर्गत आने वाले समस्त शासकीय स्कूलों में देखा जा रहा है कि एक और मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की जा रही है। ना तो यहां पर गुणवत्ता पूर्वक भोजन बांटा जा रहा है और ना ही मेनू अनुसार खाना दिया जा रहा है। समूह संचालकों की दबंगई से लगातार बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ औपचारिकता ही पूर्ण करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला बता दें कि ग्राम नारायणपुर में शासकीय मिडिल स्कूल में समूह संचालक द्वारा एक छात्रा के साथ मध्याह्न भोजन वितरण के द्वारा गाली गलौज और मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित छात्रा के चाचा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी व पुलिस थाना में की है। बलदेवगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत नारायणपुर के शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुर में मध्याह्न भोजन वितरण के द्वारा संचालक नीलमणि स्व सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन वितरण के दौरान समूह संचालक के परिजन श्रीमती रज्जन मिश्रा पत्नी ज्वाला प्रसाद मिश्रा द्वारा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्र अनुष्का राय को मध्याह्न भोजन वितरण के दौरान दो कच्ची रोटियां परोसी गई, जिस पर छात्रा द्वारा समूह संचालक से रोटी बदल कर देने को कहा तो श्रीमती रज्जन मिश्रा द्वारा उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए दो थप्पड़ मार दिए और कहा कि जैसा खाना हम वितरण करते हैं वही खाना पड़ेगा, नहीं तो अपने पिता से कह दो कि वह विद्यालय में खाने की सामग्री रखवा दे। जैसे ही छात्रा को समूह संचालक द्वारा मारपीट की गई तो वह रोते हुए अपने घर पहुंची और अपने चाचा अरविंद राय को अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी दी, जिस पर पीड़ित छात्रा के चाचा आवेदक अरविंद राय, पिता रमेश राय द्वारा पुलिस थाना बलदेवगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी सौरभ मिश्रा को अपने भतीजी के साथ हुई घटना की पूरी जानकारी प्रदान करते हुए आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, कहाँ की हो? नारायणपुर। क्या हो गया है? मैंने खाना लिया तो रोटी कच्ची थी और मैंने कहा ये रोटी नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए, तो उन्होंने मार दिया ये टप्पर और गाली भी दी। किसने मारा है? रज्जन मिश्रा ने। अच्छा, तो फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने कुछ नहीं किया। घर पे आई तो किसको बताया था? चाची। अच्छा, खाना डेली दिन सही मिलता है? नहीं। आज क्या मिला था? दाल चावल रोटी। बताइए। अरविंद राय। कहाँ के हो? नानपुर। क्या समस्या हो गई? समस्या ये हुई कि मतलब हमारी भतीजी स्कूल में पढ़ रही थी तो लंच टाइम मतलब खाना भोजन बेचैन हो रहा, तो हम घर पर सो रहे थे, वो बेचैन के समय बच्ची को खाना बांटते समय समूह के रसोईया तो वहाँ बांटा गया, तो उसने दो रोटी दी समूह वालों ने, तो इसने विरोध किया कि मतलब जो रोटी कच्ची है वो हमें बदल के रोटी चाहिए, तो गाली गलौज की। गाली गलौज करने के बाद इसने विरोध किया कि गाली नहीं दे सकते हमको, तो उसने थप्पड़ मार दिया, बोली कि जो हम बांटेंगे वही मिलेगा और जो हम देंगे वही खाना होगा। अच्छा, और आप ज़्यादा वो है तो अपने घर से खाना बना के माँ बाप से बोल के आइए, सो बोल ला के देंगे। किस नाम? किसने मारा? थप्पड़ रज्जन मिश्रा ज्वाला मिश्रा ने। क्या शिक्षक होने वहाँ पे कुछ शिक्षक में? संतोष बैस हैं, आसाराम मास्टर हैं और एक शुक्ला जी हैं। शिक्षकों को बताया था आपने मौके पे? किसको? शिक्षकों को। शिक्षकों से हमने पूछा कि आपके स्कूल में मतलब हमारी भतीजी को थप्पड़ मारा गया और खाना डांट करके दिया जा रहा है, तो आप इन लोगों से क्यों बांटवाते, दूसरे लोग रखिए, तो मान ले आपकी समस्या आप जानिए, गाँव वाले समझें, हमारा कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है। समूह का क्या नाम है? नीलमणि स्वास्थ्य समूह। अच्छा, आवेदन कहाँ पर दिया आपने? अभी एसडीएम को दिया, अभी थाने में आवेदन देना। क्या आश्वासन दिया गया? उनको इसकी कार्रवाई और जांच सही ढंग से की जाए। एसडीएम साहब क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला है कि कल भी आईसी साहब को भेजेंगे और जांच की जाएगी, आपकी जो भी समस्या हो वहीं पर निरीक्षण किया जाएगा।